हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला नाश्ता। आज हम सूजी और मूंग की दाल से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है, तो आप लोग भी इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप मूंग की दाल ली है, धुली हुई मूंग की दाल है। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच साबूदाना लिया है। तो इनको हम अच्छे से 1 से 2 बार धो लेंगे बढ़िया से पहले। तो यहाँ पे मैंने दाल को 2 बार अच्छे से धो लिया है और अब इसको हम भिगो के रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। मैं इसको भीगने के लिए रख दूंगी, तो इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ मैंने दूसरा एक बर्तन ले लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप सूजी और इसको भी हम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसको ढक के 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो इसको भी मैं रख देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल गई है, भीग गई है। तो इसको अब हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम आधा आधा करके 2 बार करके हम दाल पीस लेंगे, क्योंकि दाल थोड़ी सी ज़्यादा है तो एक बार में अच्छे से पीसेगी नहीं। और यहाँ पे मैंने 8-10 कली लहसुन की ले ली है और इसको हम पीस लेंगे। तो एक बार मैंने चलाया है और यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही लिया है और दही डाल के हम इसको बढ़िया से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अच्छे से पीस गया है, दाल बढ़िया से पीस गई है। और इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी वाली दाल भी पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारी दाल पीस ली है, तो इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और अभी इसको हम रख देते हैं साइड में और अपनी जो सूजी हमने फूलने के लिए रखी थी उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है, देखिए एकदम बढ़िया से सूजी भी फूल गई है। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह की एक छलनी ले ली है और सूजी को इसमें डाल के इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, उसको निकाल लेंगे और छलनी के ऊपर ही इसको एक बार धो लेंगे। तो सूजी को भी मैंने एक बार धो लिया है और जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है और अब इसको हमने दाल वाले बैटर में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याज मीडियम साइज़ का और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया और 3 हरी मिर्च ली है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया यहाँ मैंने स्वाद अनुसार, और 1 छोटी चम्मच से लिया है साबुत जीरा और 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स का और 1 छोटा चम्मच लिया है ओरिगैनो। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 छोटी चम्मच से बेकिंग सोडा डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो जब तक ये हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक मैंने यहाँ पे एक ये टिन ले लिया है और अभी इसको मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है और यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं और सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको डाल देंगे और बढ़िया से इसको एक बराबर कर देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से टैप कर देंगे। और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऊपर से चिली फ्लेक्स लगा रही हूँ, ये करना ऑप्शनल है वैसे। और अब यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा दिया है तो इसको हम इसमें रख देंगे और इसको हम पका लेंगे एकदम मीडियम आंच पे। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे, बढ़िया से ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये पक गया है, अच्छे से पक गया है। एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो ये पक चुका है, अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम इसमें से निकालेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी इसको मैं इसमें से निकाल के कट करके तैयार करूँगी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये बढ़िया से इसमें से निकल गया है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया है और बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा बना है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो अब इसको हम कट करके तैयार करेंगे। तो आप इसको अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको कट करना चाहें, जैसे जितने बड़े पीस में आप कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं, इस तरह से सेक के खा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच तेल डाला है और इस तरह से मैं इनको हल्का हल्का सेक लूँगी, तो इससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में तो ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है। ये सभी को, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़िया से सिक गया है और अच्छे से ये पक चुका है। तो इसको हम निकाल के अब रख लेंगे प्लेट में, और ऐसे ही हम जो बाकी के हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं, फटाफट से इसी तरह सेक लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और आप इसे एक बार बना के जब खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा, ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको सुबह में बना सकते हैं या फिर आप इसको शाम को चाय के टाइम पे बना सकते हैं। तो आपको जब भी मन करे तब आप इसे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन के एकदम तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, लग रहा है ना। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।